Hi, so this is the part 4 of this Nazism and the Rise of Hitler. Part 1 में हमने read किया the birth of the Weimar Republic. Weimar Republic कैसे आया, constitution कैसे बना, federalism कैसे आया. Then हमने next part में पढ़ा था what does it mean by the Hitler's rise to power. Hitler पहले एक ordinary corporal था, 19 जो first world war हुआ उसमें participate किया. Then slowly, gradually he climbed. ऊपर आया और फिर फाइनली द नाजी वर्ल्ड व्यू हमने पार्ट 3 में देखा. आफ्टर दैट नाजी वर्ल्ड व्यू काफ़ी डिस्टॉर्टिंग था, इन्होंने सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन किया था डार्विन की थ्योरी का. अब हम देखते हैं फोर्थ यूथ इन नाजी जर्मनी, उनके क्या व्यू पॉइंट्स थे. सी, हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. तो उन्होंने सिलेबस चेंज करना चालू कर दिया और यूथ को ये नाजी आइडियोलॉजी में पुश किया. This required a control over the child both inside and outside school. What happened in school under Nazism? क्या होता था स्कूल्स में? All schools were cleansed and purified. This means that teacher who were Jews or seen as politically unreliable, उनको हटा दिया गया. Again, Nazism यहाँ पे भी आ गया. Children were first segregated, मतलब अलग अलग किया. Aggregate मतलब पास लाना, segregate मतलब अलग अलग करना. Germans and Jews could not sit together or play together. Subsequently, undesirable children, Jews को जो physically handicapped थे, gypsies थे, उनको school से बाहर निकाल दिया गया. Finally, 1940s में they were taken to the गैस चैम्बर. गुड जर्मन चिल्ड्रन जो थे उनको सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग. प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग हुआ. स्कूल टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखा गया. रेशियल साइंसेज इंट्रोड्यूस हुई टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस. सुपीरियोरिटी का जो इन्हें कॉम्प्लेक्स था वो इन्होंने बच्चों के दिमाग में भी डालना चालू कर दिया. स्टीरियोटाइप्स जो थे, जैसे कि ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन दो मैथ्स क्लासेस में भी. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, उनको ज्यूज को हेट करना सिखा दिया, वर्शिप करना सिखाया हिटलर को. तो कंप्लीट ब्रेन वॉशिंग यहाँ पे हुई है. इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन. दिस इज अ वेरी वेरी हॉरिफिक थिंग. इवन हम आज इंटरनेट एज में भी देखते हैं सो यंग पीपल, कुछ पढ़ा नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, जिंदगी देखी नहीं है, बट दे आर सो एग्रेसिव इन देयर टॉक्स एंड एवरीथिंग. दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन. ये जर्मनी में भी ऐसे ही हो रहा था. दे वर नॉट वेल रेड, दे वर नॉट, उन्होंने कुछ अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और इतने यंग माइंड पे इनको स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड ऑल सब सिखाना चालू हो गया. फॉल्स एग्रेशन था ये, प्रॉक्सी एग्रेशन था. हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन. कंप्लीट नॉनसेंस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा था. यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. जो 10 ईयर ओल्ड थे हैड टू एंटर दिस जंग फोक. 14 जो थे हैड टू जॉइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हिटलर यूथ. दे वर लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई करो एग्रेशन को, वायलेंस को सिखाओ, कंडम करो डेमोक्रेसी को, हेट करो ज्यूज को, कम्युनिस्ट को, जिप्सीज को, अनडिजायरेबल चीज़ें हैं. आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग इनको फिर लेबर सर्विसेज में ज्वाइन किया जाता था और 18 साल होते होते अब ये एकदम ब्रेन वॉश हो गए, अब इनको काम पे यहाँ पे लगा देंगे. देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन. सो द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922. 4 ईयर्स लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आ गए और सिस्टमेटिकली डिसॉल्व एंड फाइनली उनको बैन भी कर दिया गया. सी, ये क्लासरूम में सीन में डिपिक्टिंग अ लेसन ऑफ दिस रेशियल एंटी सेमेटिज्म. ये अभी इतना यंग टेंडर एज में ऐसा उनको सिखाया जा रहा है. देन यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यूइश टीचर एंड ज्यूइश पीपल एक्सपेल कर दिए गए स्कूल से अंडर द जीज ऑफ दिस क्लासमेट. सो अगेन सीड्स ऑफ दिस वॉयलेंस, हेट्रेड, मिसट्रस्ट, ये सारे अभी इस यंग माइंड्स में इन्होंने सो करना चालू कर दिया. जंग फोक मीन्स होता है नाजी यूथ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज. देन ऑल बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 6 and 10 वेंट थ्रू प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग इन नाजी आइडियोलॉजी. एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग दे हैड टू टेक द फॉलोइंग ओथ. ऐसे करके उनको ओथ दिलाया गया. देन यहाँ पे अगेन ओथ उन्हें दिलाया गया. देन ज्यूइश चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गैस्ड, अगेन इनह्यूमन. Desirable children that Hitler wanted to see multiplied. और यहाँ पे German blooded infant with his mother. So again ये पूरा propaganda चल रहा था इनका, this Nazism का. Now, Nazi cult of motherhood.
Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. So again, एक different nonsense भी यहाँ पे बताना चालू हो गया. The fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggle everywhere was wrong and it would destroy society. तो again ये ऐसा brainwash चालू हो गया. While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls को बताया गया they had to become good mother and rear pure-blooded Aryan children. तो stereotyping is there. Girls had to maintain the purity of the race, distance themselves from Jew, look after the home and teach their children Nazi value. They had to be the bearer of the Aryan culture and race. 1933 में हिटलर ने कहा in my state the mother is the most important citizen but Nazi Germany में all mothers were not treated equally. So again जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं दोनों में काफी डिफरेंस था. Woman who wore racially undesirable children उनको पनिश किया गया एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन उनको अवॉर्ड किया गया. दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशंस इन शॉप्स और थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स में. टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉसेज उनको अवॉर्ड किए गए. ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन टू 4 चिल्ड्रन एंड सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर. तो अगेन कंप्लीट नॉन सेंस इज गोइंग ऑन. All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned, severely punished, and those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town and shaved heads. तो इस तरीके से काफी चीजें यहाँ पे हो रही थी. अब आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा क्या था ये? नाजी जर्मनी जो था रिजीम था उसने लैंग्वेज यूज किया और मीडिया यूज किया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट. द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली ये डिसेप्टिव थे, धोखा दे रहे थे, दे आर चिलिंग, काफ़ी डेंजरस था. नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन. ये मास किलिंग को बोलते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, फाइनल सॉल्यूशन दिया जा रहा है ज्यूस को, यूथेनेशिया दिया जा रहा है डिसेबल्ड को, सेलेक्शन डिसइन्फेक्शन किया जा रहा है, इवैक्यूएशन किया जा रहा है मीनिंग डिपोर्टेड पीपल गोइंग टू गैस चैम्बर. सो दे वर वेरी सटल, मतलब ये वर्ड्स यूज नहीं करते थे वो, दे यूज ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स. डू यू नो वॉट द गैस चैम्बर वर कॉल्ड? दे वर कॉल्ड डिसइन्फेक्शन एरियाज एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शॉवर हेड्स. मीडिया जो था उसको केयरफुली यूज़ किया टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू. नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स, लीफलेट, ऐसे करके बढ़ाया गया. इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ द जर्मन वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक किया गया, अब्यूज़ किया गया, डिस्क्राइब्ड एज इविल बताया गया. सोशलिस्ट और लिबरल्स अगेन ये इनको पसंद बिल्कुल नहीं आते थे, सो दे वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजेनरेट. दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स. प्रोपोगेंडा फिल्म्स बनाई गई टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यू. द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल ज्यू, ऑर्थोडॉक्स ज्यू वॉज स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड. सो इन दिस वे दे वर डूइंग ऑल दीज एट्रॉसिटीज. नाउ विथ फ्लोइंग बियर्ड्स, वियरिंग काफ्तान्स, वेयर इन अ रियलिटी इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यू बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंसेज बिकॉज दे वर हाईली असिमिलिएटेड कम्युनिटी थी. दे वर रेफर टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट. सो देयर मूवमेंट वॉज कंपेयर टू दोज ऑफ रॉडेंट्स. नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, उनके इमोशंस के साथ खेला गया, टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर अनडिजायरेबल बना दिया गया. नाजीज जो थे इक्वल एफर्ट डाले टू अपील टू ऑल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. दे सॉट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम. तो इस तरीके का वहां पे माइंड गेम हुआ. ये नाजी पोस्टर है अटैकिंग ज्यू. कैप्शन रीड कर रहा है, मनी इज द गॉड ऑफ ज्यू, इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट द ग्रेटेस्ट क्राइम, ही डज नॉट रेस्ट अंटिल ही कैन सिट ऑन अ बिग सैक ऑफ मनी, अंटिल ही हैज बिकम द किंग ऑफ मनी. सो इस तरीके से स्टीरियोटाइप्ड इन्हें किया गया. ये जर्मन फार्मर्स है, यू बिलोंग टू हिटलर. वाई? बिकॉज जर्मन फार्मर्स स्टैंड इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स ऑफ टूडे. एक तो अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम का डेंजर है बिग कैपिटलिज्म, और दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का है दिस बोल्शेविज्म. Big capitalism and Bolshevism work hand in hand. They are born of Jewish thought and serve the master plan of world Jewry. Who alone can rescue the former from these danger? National socialism. ये नाजी ऐसे मतलब प्रोपोगेंडा चलाते थे, ये लीफलेट्स चलाते थे, और इस तरीके से ये मैस्कुलिनिटी, फोर्स्ड मैस्कुलिनिटी, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिनिटी, इसको इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया. ये एक कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे August 1, 1914 में वर्ल्ड वॉर बिगिन हुई, November 9, 1918 में जर्मनी कैपिटुलेट्स एंडिंग द वॉर,
9th नवंबर 1918 को वीमर रिपब्लिक प्रोक्लेम हुआ, ये वीमर रिपब्लिक बना, बट ये इन्फेंट था तो दैट इज़ वाई इसको ज़्यादा इन्होंने सेटल होने नहीं दिया। फिर ट्रीटी ऑफ वर्जाइल आ गई June 28, 1919 में, इसमें जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स आई, ह्यूमिलिएटेड फील होने लग गए, इसी का फ़ायदा उठा के ये नेशनलिज्म वहाँ पर काफ़ी राइज हो गया। 33 में हिटलर बन गए चांसलर ऑफ जर्मनी। September 1, 1939 में जर्मनी ने इन्वेट कर दिया पोलैंड को और इसने ट्रिगर किया वर्ल्ड वॉर 2 को, बिगनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 41 आते आते जर्मनी ने इन्वेट किया USSR को। 1941 में मास मर्डर हुआ ज्यू का। 1941 में यूनाइटेड स्टेट्स ने ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जापान भी आ गया था, पर्ल हार्बर भी हो रहा था। देन 27-45 को सोवियत ट्रूप लिबरेट्स दिस ऑशविश। देन May 8, 1945 को एलाइड विक्ट्री इन यूरोप। तो इस तरीके से ये 1914 से 1945 तक ये पूरा क्राइटेरिया रहा इनका। सो दिस वॉज दिस नाजिज्म। अब इन नेक्स्ट चैप्टर वी वुड रीड अबाउट दिस ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि वर्ल्ड में इसने ये जो जितनी भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं इसने वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे चेंज किया, वर्ल्ड ऑर्डर को इसने कैसे डिफाइन किया, और जो बाद में जो फिलोसफीज आई हैं वो इसको कैसे सेफ गार्ड करने के लिए वर्ल्ड आगे प्रोग्रेस हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ़।